बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर सुबह। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। एक बार फिर आपकी सुबह को बाखबर बनाने के लिए आपके सामने हाजिर है नाज़रीन। पाकिस्तानी तलबा के रहनुमाई के लिए, उनकी मदद के लिए बर्मिंगम में एक सेल बनाया गया और 11 करोड़ रुपए का खर्चा आया। लेकिन मसला क्या हुआ कि क्या पाकिस्तानी तलबा को वहाँ कुछ रहनुमाई हासिल हो सकी, और आखिर इस सेल या इस जो इदारा सेपरेट एक तरह से एरिया बनाया गया, इसके अंदर मदद देने के लिए किसको लगाया गया? क्या किसी को नवाजा गया, क्या किसी को मदद दी गई, या फिर जेन्युइन बेसिस पर इस पोस्ट पे लगाया गया? इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से सुहेल इकबाल भट्टी साहब, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। सुहेल साहब, शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। कराची स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं जफर हिलाली साहब। जफर हिलाली साहब सीनियर एनालिस्ट है। थैंक यू सो मच जफर हिलाली साहब, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले जरा बात करते हैं वही बर्मिंगम के अंदर जो पाकिस्तानी तलबा की मदद के लिए, पहले तो पाकिस्तानी तलबा की पाकिस्तान में मदद होना मुश्किल हुई है। एजुकेशन डिपार्टमेंट के बजट की बात कर लीजिए या फिर बात कर लीजिए एजुकेशन डिपार्टमेंट की हालत इजार की। लेकिन सहेल साहब, ये बर्मिंगम में पाकिस्तानी तलबा का ख्याल आया, ये जरा कहानी तो बताए हैं क्या? अनिका, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। वजारत खारजा की सरकारी दस्तावेज के मुताबिक अप्रैल 2013 के अंदर उस वक्त ये फैसला किया गया कि बर्मिंगम के अंदर जो पाकिस्तानी कौंसलेट है उसके अंदर एजुकेशन विंग खोला जाए। उसका मकसद क्या था? इन दस्तावेज के अंदर बड़ा वाजे लिखा हुआ है कि मलाला यूसुफ़ज़ई के वालिद रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई को अकोमोडेट करना था, जिसकी वजह से ये विंग खोला गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के हुक्म पर बर्मिंगम के इसका पाकिस्तानी कौंसलेट के अंदर एजुकेशन विंग खोला गया। वजारत बैन-अल-सूबाई राबता से यहाँ से उसके लिए बाज़ाब्ता स्टाफ भिजवाया गया। पूरा विंग खोलने के बाद उसके सारे एक्सपेंस भी उसका एस्टिमेट हुआ कि कितना एक्सपेंस होंगे। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? ऑब्जेक्टिव ये था कि बर्मिंगम के अंदर जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उन्हें तलीम हासिल के अंदर जो दुश्वारियाँ पेश आती हैं, उन्हें जिन मुश्किलात का सामना है उनको दूर किया जा सके, और उन्हें किसी जिस वक्त भी किसी किस्म की उन्हें असिस्टेंस की जरूरत हो तो वो इस एजुकेशन विंग के साथ राबता कर सके। और रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई को इस विंग का एजुकेशन अताशी अपॉइंट किया गया था ग्रेड 19 के अंदर। ये मलाला यूसुफ़ज़ई के वालिद को क्यों लगाया गया, कोई और नहीं था वहाँ मौजूद? अनिका, जब वो आपको याद होगा कि मलाला यूसुफ़ज़ई के ऊपर जब हमला हुआ था और उनकी जो उनकी क्रिटिकल सिचुएशन थी, तो उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें इलाज मुआलजे के लिए लंदन भिजवाया गया था, बरतानिया भिजवाया गया था। तो मकसद ये था कि अगर जब वो खुद वहाँ पर जा रही हैं तो उनकी फैमिली को भी भिजवाया जाए। तो ये वजह थी कि उनके वालिद को, जो कि रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर थे, उन्हें भी वो अपनी बेटी के साथ रहें। और ये साबिक सदर आसिफ जरदारी का ये इनिशिएटिव था कि उन्हें हम अपने एक ग्रेड 19 के अंदर एक जॉब ऑफर कर देते ताकि वो वहाँ पर रहें और अपनी बच्ची का इलाज भी करा सकें। लेकिन जो स्ट्रेटजी बनाई गई थी वो भले बहुत गलत साबित हुई, क्योंकि जो एजुकेशन अताशी उन्हें अपॉइंट किया गया जिस मकसद के लिए किया गया, उस मकसद पर 5 साल के दौरान 11 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 11 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, और आप ये सुनकर हैरान होंगी, वजारत खारजा की इस दस्तावेज में ये इंकशाफ हुआ है कि 5 सालों के दौरान एक भी पाकिस्तानी तालिब इल्म ने, जो बर्मिंगम में जेर तालीम थे, उन्होंने पाकिस्तान के इस एजुकेशन विंग से राबता ही नहीं किया, एजुकेशन तासी से राबता ही नहीं किया। उन्हें किसी किस्म की मदद की जरूरत पेश नहीं आई। उसकी एक बुनियादी वजह तो यह है कि एक तो वहां पर एजुकेशन का निजाम इतना मियारी है कि वहां पर कोई मुश्किलात सामने नहीं आती। लेकिन आप ये सुनकर हैरान होंगी कि जहां पर उन्हें एजुकेशन ताशी अपॉइंट किया गया ग्रेड 19 के अंदर, उनके साथ स्टाफ भिजवाया गया वजारत बैन-अल-सूबाई राबता का पाकिस्तान से, करोड़ों रुपए के खर्चात बर्दाश्त करना पड़े। उस बर्मिंगम के अंदर सिर्फ 35 तलबा ऐसे हैं पाकिस्तानी जो वहां पर यूनिवर्सिटियों में जेर तालीम है, सिर्फ 35, और उन्होंने भी कोई राबता नहीं किया। अब वजारत खारजा की जानिब से और वहां पर कौंसलेट जो पाकिस्तानी कौंसलेट है उनके कौंसल की जानिब से ये रिकमेंड किया गया है कि कौमी लिखा गया है कि मुल्क की दौलत का, आवाम की दौलत का यहाँ पर ज़िया हो रहा है, इस विंग को फौरी तौर पर बंद किया जाए और जो स्टाफ यहाँ पर मौजूद है उसे पाकिस्तान वापस ले जाया जाए, चूंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके साथ ये भी बताया गया कि भारत के बड़ी तादाद के अंदर तलबा हैं जो कि वहाँ पर जेर तलीम है, बांग्लादेश के तलबा वहाँ पर जेर तलीम है, लेकिन भारत और बांग्लादेश का कौंसलेट वहां पर मौजूद है लेकिन एजुकेशन के विंग वहां पर मौजूद नहीं है, ना ही कोई एजुकेशन अताशी मौजूद है। तो ये हमारी जो हमारे इदारों की जो हमारे जो पॉलिसी साज बैठे होते हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं, जब ये प्लानिंग करते हैं, अगर यही पैसा आपने खर्च करना था, अगर आपने मलाला यूसुफ़ज़ई के वालिद से आपने कोई खिदमात लेनी थी, उनको वहां पर फैसिलिटेट करना था, तो कोई ऐसा उन्हें काम सौंपा जा सकता था जिससे वो कौम की मुल्क की खिदमत भी करते, वहां पर कोई ऐसी ड्यूटी सर अंजाम देते जिससे एटलीस्ट इन पैसों का ज़िया ना होता, यानी ये पैसे भी ज़िया हुए ना पड़ता, वाकई में कोई काम नजर आता। अच्छा हिलाली साहब, आप तो खुद डिप्लोमैट रहे हैं, बहुत सारे ममालिक के अंदर आप रहे हैं, ये बताइएगा कि अगर किसी पोस्ट की जरूरत नहीं है और इतने सालों से एक पोस्ट है, कोई एक तालिबे इल्म भी वहां नहीं आया,
इसका मतलब ये कि ये कई साल पहले बंद हो जानी चाहिए थी, ये फीजिबल ही नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी चलता रहा। ये गफलत जो है ये बरती जाए और कौमी खजाने से पैसा जाए, किसका कसूर? ठीक है, यानी कि एक पॉइंट और ऐड करता चला जाऊं इससे पहले कि हमारा हलाली साहब से राबता हो जाए। जो वहां पर मलाला यूसुफ़ज़ई के वालिद को जो पॉइंट किया गया था एजुकेशन अताशी के तौर के पर, अब उन्होंने रिजाइन कर दिया। ठीक है, चलिए हलाली साहब का जवाब सुन लीजिए। जी हलाली, ठीक है, चलिए वो कोशिश करते हैं दोबारा कनेक्शन बहाल करने की। लेकिन मुझे ये बताइएगा, पहले ही मलाला यूसुफ़ज़ई के हवाले से बहुत सारे सवाल उठे सुहेल साहब, बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल मसला बनता रहा और मतलब रीजंस उसकी हमारे सामने थी, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की कंट्रोवर्सी डेवलप कर देना, अब आसिफ जरदारी साहब के दौर की कंट्रोवर्सीज पे कंट्रोवर्सी सामने आ रही है। हकानी, हुसैन हकानी की बात कर लीजिए या अब ये एजुकेशन नताशी की बात कर लीजिए, ये कंट्रोवर्सीज आना कब बंद होंगी कि अभी और खुलेंगे? पीपल्स पार्टी दौर के अंदर सिर्फ कॉन्ट्रोवर्सी नहीं, बड़े बड़े इनके कारनामे ऐसे सामने आए थे, वो तो किसी से ढके छुपे नहीं है। आपने एक मैट्रिक पास को MDOGDCL लगा दिया, यूसुफ़ज़ई गिलानी साहब ने एनआरओ के बेनिफिशियरीज के ऊपर और जगहों पे बिठा दिया, तो ये उनके ट्रैक रिकॉर्ड तो है कि आउट ऑफ द वे जाके नवाजते हैं, फिर ये नहीं देखते क्या ये शख्स डिजर्व करता है कि नहीं, क्या ये मुल्क और कौम की को खिदमत कर पाएगा कि नहीं, कुछ कंट्रीब्यूट करेगा कि नहीं, उन्होंने अपना देखना होता है कि उन्हें क्या सूट करता है। जरदारी साहब, ये कंट्रोवर्सी नहीं है, ये वजारत खारजा के वो खत है, ये वो दस्तावेज है जिसके अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ है, एस्टेब्लिश उन्होंने किया है। इसकी उन्होंने कहा इसकी जरूरत तक नहीं थी, कभी पाकिस्तानी कौंसलेट के अंदर एजुकेशन का विंग कायम नहीं किया गया, भारत और बांग्लादेश की मवाजना किया गया, उनके बड़ी तादाद में वहां स्टूडेंट पढ़ते हैं, उस विंग की वहां पर जरूरत नहीं, क्योंकि उनके बरतानिया का निजाम तालीम इतना अच्छा है कि वहां पर स्टूडेंट्स को किसी किस्म का कोई मसला दरपेश नहीं होता। हमने क्या किया, हमने उनको नवाजना था, उनको वहां बिठाना था, और अल्टीमेटली हमने क्या किया कि ठीक है करोड़ों रुपए कौम के लग रहे हैं, मुल्क के खर्च हो रहे हैं, वो खर्च होते रहे, हमें परवाह नहीं उनको फैसिलिटेट करने। अब उन्होंने रिजाइन कर दिया, उनकी मेहरबानी है उन्होंने रिजाइन कर दिया, लेकिन 11 करोड़ रुपए इस कौम के वहां पर खर्च हो गए। अच्छा हिलाली साहब, 35 तलबा जो बर्मिंगम में है उनका इतना ख्याल है, जो सैकड़ों तलबा पाकिस्तान में है उनका ख्याल क्यों नहीं आया? नहीं, आई एम अफ्रेड अनिका के वी आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। कहने की बात है कि इसको मलाला के बाप को उधर रखना था, उसको अपनी बेटी का देखभाल करने के लिए, उसके खर्चे के लिए और हॉस्पिटल के शायद कुछ खर्चे के लिए, और बहुत बेहतर होता अगर ये एक आउटराइट ग्रांट उनको दे देते और वो उधर बैठ के जो करना है वो करते। इसलिए कि मलाला जो है शी इज़ अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, मलाला जो है उसका ब्रेवरी और डिटर्मिनेशन जो उसने दिखाया है एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ, इट वाज वंडरफुल, फैंटास्टिक। देखिए, शी एक ही औरत है जो पाकिस्तान को मशहूर किया है बाय हर डिटर्मिनेशन। अब कहने की बात यह है कि अगर आप और मदद करना था उनको, और ज़रूर करना था, इसलिए कि उसने एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ और ख़ास तौर ये तालिबान के खिलाफ एक औरत खड़े होके जो कहा, बड़ा सही कहा। तो ये कोई तरीका नहीं है, जैसे ये भट्टी साहब कह रहे हैं सही है, ये क्या आप बहाना बना रहे हैं कि आप एजुकेशन लोगों की देखभाल करेंगे या आप प्रोपेगेंडा करेंगे, सब बकवास, नॉट नेसेसरी। सीधा आप उसको देते ग्रांट, और मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कौम कहती कि ठीक है। ऐसे कभी कभी वाक्य होते हैं कि जब एक सिंबल, एक आइकॉन को आप जब मदद करते हैं, कोई बात नहीं, वो मुल्क की बेहतरी के लिए ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में। तो मेरे ख्याल में ये सब बहाने हैं उनके कि ये उधर एक एजुकेशन की जरूरत थी, और ये मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आता है उसको स्टाफ क्यों भेजा। भाई स्टाफ के क्या भेजने के तुक था, आपको सबको पता है कि ये एक किस्म का कवर अपॉइंटमेंट था, उसको अपने बेटी के साथ रहना था, तो स्टाफ क्यों भेज रहे हैं? यानी मलाला यूसुफ़ज़ई के वालिद का खर्चा तो था ही था, लेकिन उनके स्टाफ का एटलीस्ट खर्चा बचाया जा सकता था। सुहेल साहब, आप इससे अग्री करते हैं? अनिका, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ऐसा हो सकता था। अगर थोड़ा सा हमने रियलिस्टिक अप्रोच अपनाई होती तो ना सिर्फ हम उन्हें कोई ग्रांट दे सकते थे, बल्कि रहीमुल्ला यूसुफ़ज़ई साहब से हम कोई मुअस्सर काम भी ले सकते थे जिससे पाकिस्तान को, कौम को कोई फायदा भी हो सकता था, कोई भी ऐसी पॉलिसी बनाई जा सकती थी। तो उसके साथ साथ अजराई ये कहते हैं कि वहां पर काफी अरसे से ये शिकायत भी रही
कि वो चूंकि वहां पर कोई मसरूफियत नहीं थी, वो कुछ काम नहीं कर पा रहे थे, स्टूडेंट्स रजू नहीं करते थे, तो यकीनन फिर उन्होंने कुछ ना कुछ अपनी मसरूफियत बनानी थी। तो वहां पर उस वजह से वजारत खारजा के कुछ लोग बताते हैं कि उनकी चूंकि ऑफिस में मसरूफियत कम थी, ज्यादा वो बाहर रहते थे, ट्रैवलिंग थी, गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे, तो वो ओवर एंड अबव एक्सपेंस भी पाकिस्तान को बहुत ज्यादा वहां बर्दाश्त करना पड़े। अगर हलाली साहब की बात बिल्कुल ठीक है, अगर उन्हें फैसिलिटेट करना था तो कोई और तरीका हो सकता था, ये तरीका कार बहुत गलत था जिसके नतीजे में इस कौम के 11 करोड़ रुपए ज्या हो गया। चलिए ठीक है, ये दहशतगर्दी के भेंट चढ़ी मलाला यूसुफजई साहिबा, और बात करेंगे दहशतगर्दी के हवाले से तो अगले टॉपिक की तरफ भी जाते हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान बहुत अरसे से कोशा है और तगड़ो जारी है, आज भी जारी है, लेकिन हुकूमत की पॉलिसी में कुछ शिफ्ट आया है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक नई स्ट्रैटेजी सामने आई है। सुहेल साहब, जरा स्ट्रैटेजी क्या है ये बताइएगा। एक तो ऑपरेशन रद्दुल फसाद तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ क्या निकल देखिए, नवंबर में जब नवंबर 2016 में मिलिट्री क्यादत में तब्दीली है, तो उसके बाद हम देख रहे थे कि बड़ी पॉलिसी शिफ्ट है, बड़ी तब्दीली आई है, और उसमें हम देखते हैं कि वहां पर अगर मिलिट्री साइड पर देखें तो एक प्रॉपर एक पॉलिसी डिवाइस की गई है, जिसमें जिसका हम देखेंगे ये कहा गया कि मोर एम्फेसिस ऑन वर्क लेस ऑन प्रोजेक्शन, और उसके बाद जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस थे उनको भी बड़ा मजबूत तरीके से हमांग किया गया। और उसके अब हम देखते हैं कि जो ऑपरेशन रद्दुल फसाद शुरू हुआ है, जहां पर दहशतगर्दों का कलाकमा किया जा रहा है, उसके साथ साथ और बहुत से काम किए जा रहे हैं और काफी उसके अचीवमेंट्स भी सामने आ रही है। जरा ये कहते हैं कि अब ये जो ऑपरेशन रद्दुल फसाद है, पाकिस्तान से दहशतगर्दी का कि जो दहशतगर्दी का नासूर है उसको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए एक हतमी ऑपरेशन किया जा रहा है, और इस ऑपरेशन के पैरेलल कुछ और काम भी शुरू कर दिया गया। चूंकि अब सिविल मिलिट्री जो लीडरशिप है वो एक पेज के ऊपर है और बाहमी इत्तफाके राय से मामलात को आगे बढ़ाया जा रहा है। जरा ये कहते हैं कि हकूमत की जानिब से वो कलदम तंजीमें जो पहले हमारी सलामती के लिए मसला बनी हुई थी उनके ऊपर पाबंदी आयद की गई थी, और वो कुछ ऐसे शख्स ऐसे अफराद जो दहशतगर्दी की संगीन वारदातों में मुलविस थे, जहां पर एक जानिब ऑपरेशन किया जा रहा है और दहशतगर्दों का कलाकमा किया जा रहा है, उसके साथ साथ एक डायलॉग का सिलसिला भी इस वक्त जारी है और कोशिश ये की जा रही है, जो प्लान गौर है, जो ऐसी कलदम तंजीमें जो कौमी धारे में शामिल होने के तैयार हैं, जो अपना ट्रैक रिकॉर्ड छोड़ने को तैयार हैं, जो मुल्क से एक्सट्रीमिज्म फिरकावारियत खत्म करने को तैयार हैं, उन जमातों के सरबराहान से रबते हैं हुकूमत के, उनसे बातचीत की जा रही है, और दोनों साइड से इस बात के ऊपर रजामंदी का इजहार हो चुका है कि अगर हुकूमत उन्हें कौमी धारे में लेके आती तो वो इस बात की यकीन दहानी कराने को तैयार हैं कि वो आइंदा मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में या फिरका वारियत के अंदर या शिद्दत पसंदी के फरोग बनने का बाइस नहीं बनेंगे। इस हवाले से काफी काम हो रहे हैं और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हमें इसके नतीजे भी सामने मिलेंगे। उसके साथ साथ मिलिट्री ने जो ऑपरेशन शुरू किए हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की हिदायत के बाद, जिस तरीके से अक्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन शुरू किए गए, उसके अंदर अब तक जो हमें एक जराये ने इस बात की तस्दीक की कि 17 ऐसे हाई प्रोफाइल टेररिस्ट हैं जिनका खात्मा किया जा चुका है, आने वाले चंद दिनों के अंदर उनके नाम भी मंजरियाम पर आएंगे। ओवरऑल अब तक 350 से जायद दहशतगर्दों का खात्मा किया जा चुका है। और उसके साथ साथ मुझे याद है कि जब 29 नवंबर को रावलपिंडी के अंदर जीत के अंदर कमांड की तब्दीली की तकरीब हो रही थी, तो आर्मी चीफ ने कुछ सहाफियों से रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा था कि आज के बाद आप देखेंगे कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो भारतीय फायरिंग का सिलसिला जारी है वो कम होना शुरू हो जाएगा। उसके ऊपर भी एक स्पेशल इनिशिएटिव लिया गया है और हम देखते हैं कि वो फायरिंग का सिलसिला कम होता दिखाई और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सूरत हाल बेहतर हो रही है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो चीन ने पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप को कन्विंस किया है, जो उन्होंने एक स्ट्रेटजी बताई, जो उन्होंने सजेशन दी, उसके ऊपर अब अमल दरामद शुरू कर दिया गया है, जिसमें यह बताया गया था अगर पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का खात्मा करना है और मौसी तरक्की हासिल करनी है तो आप इस स्ट्रेटजी के साथ चलिए, सिविल मिलिट्री लीडरशिप एक सेम पेज पर चले और स्पीक लेस और डू मोर, ये उसकी पॉलिसी के तहत अब काम हो रहा है। वो मीडिया सेल जरा कम काम और जो काम वाले काम है वो ज्यादा किए जाए। अच्छा हिलाली साहब ये बताइएगा, ये पॉलिसी शिफ्ट यानी कोको जो के दहशतगर्दी में या फिर मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ मिले हुए, अब ऐसे लोगों को कौमी धारे के अंदर लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, डेफिनेटली बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि उनका माइंडसेट चेंज करना असल मसला होगा। अच्छा चलिए आप उनको कौमी धारे में शामिल कर लेते हैं, माइंडसेट यानी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की भी तो बात है, साइकोलॉजिकली उनको किस तरीके से अपनी तरफ लेकर आएंगे कंप्लीटली। पहले तो बात यह है अनिका के बिल्कुल सही कह रही हैं आप, इनके माइंडसेट को आप कैसे चेंज करेंगे, ये तो कुछ भी कहेंगे आपको जब वो कमजोर हैं और जब दे आर ऑन द रन, वो कुछ भी कहेंगे नहीं नहीं हम अभी ठीक हो गए हैं, वी हैव सीन द लाइट, अब आप हमें छोड़ दें।
मैं तो समझता हूँ कि एक्चुअल नर्सरीज ऑफ टेरर इस मुल्क में मदरसे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कितना प्रोग्रेस हो रहा है, मैं जानना चाहता हूँ कितने अनसुपरवाइज्ड अनमॉनिटर्ड मदरसे आपने बंद किए। इस वक्त सिर्फ सिंध में मदरसे बंद हो रहे हैं जो अनसुपरवाइज्ड अनमॉनिटर्ड हैं, दूसरे प्रोविंसेस में कोई खास बंद नहीं हो रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कितने इस किस्म के मदरसे बंद हो रहे हैं, इसलिए कि ये नहीं है कि आदमी जब बड़ा हो जाए उसको कोई आके ब्रेन वॉश कर देता है, ये छोटी उम्र से ये बातें शुरू होती हैं। तो उस उम्र पे आपने जाके कंट्रोल करना है, जैसे लोग वाकई सही उसका डिपिक्शन है कि नर्सरीज ऑफ टेरर। और चीन जो हमें एडवाइस दे रहा है, अफसोस से कहना पड़ता है, किसी और मुल्क के अंदरूनी मामले में मेरे ख्याल में किसी और मुल्क को एडवाइस नहीं देना चाहता है, इसलिए कि जब एडवाइस आप देते हैं तो फिर सुनना भी पड़ता है। और मैं तो फिर ये उनको एडवाइस ये दूंगा कि अजान को पब्लिकली करने दें सिंकियांग में, और ये वीगर्स जो अपने लिबास पहनना चाहते हैं उनको भी करने दें, और ओपनली उनको अपना रिलीजन इस्लाम जो है प्रैक्टिस करने दें। मगर हम ये बातें उसको नहीं कहते, इसलिए कि ये हमारा इट इज़ नॉट आवर जॉब टू टेल अनदर कंट्री के भाई किस तरीके से आप अपने बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ सलूक रखें। लेकिन हिलाली साहब, अनिका इसके साथ मैं ये भी करने जो आप बात कह रहे हैं, लेकिन चीन का हम ये भी तो हमें देखना होगा ना खित्ते के अंदर क्या अमन से मुतल्लिक कितना अहम किरदार है। तालिबान के साथ मुज़ाकरात की बात हो, चीन उसके अंदर एक्टिवली इंगेज है, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक रिवाइवल की बात हो, सीपैक की बात हो, तो चीन कितना किस हद तक एक्टिव है। तो चीन के इस कदर स्टेट्स हैं ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बस इस रीजन के अंदर, तो यकीनन सूरत हाल की बेहतरी के लिए, हालात की बेहतरी के लिए, उसके बाद हमारा स्ट्रेटेजिक जितना उनके साथ हमारा कॉपरेशन जितना डीपली हो चुका है, तो यकीनन उस सारी सूरत हाल के तनाजुर में चीन को एडवाइस तो हमें करेगा सर। और हिलाली साहब, हम एडवाइस किस तरीके से कर सकते हैं? हम उधर इन्वेस्टमेंट तो कर नहीं रहे, वो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली कुछ ना कुछ हम अमेरिका से एडवाइस लेते हुए आए। अब चीन इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो चीन से एडवाइस ले रहे हैं, क्या ये वही वाला तरीका कार नहीं है? चीज मेहरबानी से एक चीज समझ जाए कि इस चीन ये सब पाकिस्तान के साथ क्यों कर रहा है, क्या उसका फायदा नहीं है, उसके नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, क्या उनको ग्वादर नहीं चाहिए, क्या उनको जो दो हफ्ते की सेविंग्स हो रही है इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स, तो करोड़ अरबों डॉलर की बचत हो रही है, क्या वो उनके बेनिफिट में नहीं है? क्या उन्होंने जो हमारे में इन्वेस्टमेंट 24% और 37% प्रॉफिट पे दिया है, क्या वो अच्छा नहीं है? नहीं, देखिए बात ये नहीं है, हम बड़े खुश हैं कि चीन ने इन्वेस्ट किया, हम चीन हमारा सबसे करीबी दोस्त है, हम वो सब मानते हैं, मगर अमूमन मैं ये कहता हूँ कि अगर आपका एक टैक्टिक है तो चुपके से, बहुत चुपके से कान में आप कह सकते हैं कि शायद आप सोचेंगे ये करने, नहीं तो अगर पब्लिकली आके आप एडवाइस देने लग जाएं ये करो वो करो, तो फिर ये दोनों तरफ से चलता है, एंड आई डोंट थिंक इट मेक्स फॉर गुड रिलेशनशिप। तो हाँ, जरूर चीन ने इन्वेस्ट किया है, इसके मतलब नहीं है कि पैसे दो तो फिर यू नो द पाइपर कॉल्स द ट्यून, वैसा है तो फिर अमेरिका और चीन में फर्क क्या है, या किसी और मुल्क में क्या फर्क है? जो पैसे देता है वो कहता है आप मेरे कहने पे चलो। यानी हिलाली साहब, आपका ये फरमाना है कि डिप्लोमेटिकली साइलेंटली ये काम किया जा सकता था, इतना पब्लिकली होने की इसके हवाले से जरूरत नहीं थी। लेकिन ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, शो को कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले नाज़रीन, हम बात कर रहे थे दहशतगर्दी के हवाले से, और दहशतगर्दी और करप्शन के नेक्सस की बात बारहा होती है, और जिस इदारे ने करप्शन को खत्म करना हो वो इंतहाई अहमियत का हामिल होता है, लेकिन वही करप्शन पकड़ी गई। और वो सुहेल साहब, हम से नो टू करप्शन वाले बड़े मैसेजेस, बड़े पैगाम सुनते थे, अब क्या वो पैगाम हमें आएंगे या नहीं आएंगे? उनकी डीजी जो है वो भी फारिग हो गए। निका देखिए, इंसदाद करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने वाला जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का इदारा था नैब, उसमें करप्शन साबित हुई है, और ये ऐसी करप्शन है जो कि नैब के सेक्शन 9 के अंडर आती है, और उसकी सज़ा उस सेक्शन के तहत कोई भी शख्स अगर इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता है, करप्शन करता है, तो उसकी सज़ा 14 साल है, 14 साल सज़ा है। उसके बहुत से लोग मुर्तकिब हुए हैं, और उसके साथ साथ ये बड़ा क्रेडिट जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, जो जिन्हें पहली मरतबा जब से नैब का क्याम अमल में आया, और उसके बाद बहुत से चीज़ें
रिपोर्ट जरूर होती रही लेकिन कभी इस लेवल के ऊपर टेकअप नहीं हुई और इस कंसिस्टेंसी के साथ उसको इस एंड तक नहीं पहुंचाया गया। ये बहुत बड़ा केस था, बल्कि अगर देखा जाए कि मुल्क की तारीख के अंदर किसी पहले भी FIA रही है या एंटी करप्शन के इदारे रहे हैं, कभी ऐसी कार्रवाई देखने में सामने नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब के 4 डायरेक्टर जनरल, मतलब जो नैब चेयरमैन नैब के बाद सबसे ज्यादा बासर अफसरान होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर से लेके ब्यूरोक्रेट ग्रेड वाइस के भी ब्यूरोक्रेट से लेके सबके खिलाफ कार्रवाई करते हैं और उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल करने तक का सारा अमल को वो जांच पड़ताल करते हैं। उन 4 DGs को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के ऊपर उन्हें नैब से फारिग करने का फैसला किया गया। आज उनके नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे, जिसमें DG नैब लाहौर थे मेजर बुरहान, उन्हें भी फारिग करने का फैसला किया गया। और उसके साथ साथ DG नैब कराची थे मेजर शबीर, DG नैब क्वेटा मेजर रिटायर्ड तारिक, और उसके साथ साथ DG अवेयरनेस से नो टू करप्शन मुहिम चलाने की DG आलिया रशीद, जो कि 10 स्टार थी, इनको फारिग कर दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ साथ ये भी अपने फैसले में कहा है कि मजमूई तौर पर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की रिपोर्ट के मुताबिक 273 से ज़ायद ऐसे अफसरान थे जिनमें जिनकी अपॉइंटमेंट्स का मामला भी था, अब्सॉर्प्शन का मामला भी था और उसके साथ प्रमोशंस का मामला भी था। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने उसके अंदर रेगुलेटरीज को पॉइंट आउट किया था। अब उन अफसरान से मुतल्लिक 102 ऐसे अफसरान हैं जिनके ऊपर नैब भी इत्तफाक करता है कि उनकी तकर्रियाँ या उनकी अब्सॉर्प्शन या प्रमोशन गलत हुई हैं, लेकिन अब उनको चाकआउट कैसे करना है, कैसे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी है, उसके लिए एक 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है जो 102 हों या 273 ओवरऑल जो फिगर था उसका सारे का मुआयना करके 2 माह के अंदर सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेगी, मजीद एक्शन और कार्रवाई होंगी। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि नैब के अंदर जो इख्तियारात के गलत इस्तेमाल से मुतल्लिक नैब बड़े बड़े लोगों के खिलाफ आज तक कार्रवाइयाँ करता आया, सेक्शन 9 के तहत जिन लोगों ने इन शख्सियात का गलत तकर्रुर किया, खिलाफ कानून तकर्रुर किया, क्या उनके खिलाफ सेक्शन 9 का नफाज नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल में जरूर होना चाहिए और होना चाहिए था। उसके साथ एक और बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता रोज ही कहा गया कि अगर नैब का मामला ठीक होते तो नैब को ये कहने की जरूरत, किसी अफसर को ये कहने की जरूरत पेश ना थी कि हम इस मामले के अंदर कार्रवाई नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजी साहबान का इशारा था चेयरमैन नैब के उस बयान की तरफ जो उन्होंने पनामा केस की समाप्ति के दौरान दिया था और उस टाइम पर सबने सवाल भी उठाया था कि एक ऑटोनॉमस इदारा है वो क्या कार्रवाई नहीं कर सकता। लेकिन हिलाली साहब, क्या एक इदारे में करप्शन हो रही हो तो उससे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो बाकी करप्शन पकड़ेगा? जबकि आप 4 आपके DGs को फारिग किया गया, ये कोई छोटी बात तो नहीं है नैब जैसे इदारे की? बिल्कुल छोटी बात नहीं है और मेरे ख्याल में मैंने जल्दी से कैलकुलेशन किया है, कोई 25% उनके अपॉइंटमेंट्स ओवर द कोर्स ऑफ 1 ईयर या 2 या 3 ईयर्स वो गलत रहे हैं। इन अदर वर्ड्स के वो फुलफिल नहीं कर रहे थे रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पोस्ट। माफ करिए, अगर इस तरीके से नैब प्रीमियर एंटी करप्शन एजेंसी काम कर रही है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं कि शायद पैसे लेके वो रिक्रूट कर रहे हैं। क्या वो एक रिक्रूटिंग सेंटर बन गए हैं उन लोगों को जो नैब का चेयरमैन चाहता है? माफ करिए, दिस इज शॉकिंग। ये तो बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इज नॉट सिर्फ प्रोसीजरल फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और पता करना चाहिए कि भाई ये कैसे अपॉइंट हुए हैं और क्या इसके पीछे कोई और बात है। आई एम शॉक्ड, एब्सोल्युटली शॉक्ड। अगर आपका प्रीमियर इदारा एंटी करप्शन ये हालत है, माफ करिए फिर बचना बड़ा मुश्किल है करप्शन से। और अनिका, एक डीजी नैब ने चेयरमैन नैब कमर रिजवान चौधरी की इंटेग्रिटी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन किया और उन्हें सुप्रीम कोर्ट में यह कहा है। और डीजी हैं जो कि तमाम बड़े मामला बड़े इजलास में बैठते हैं, वो कहते हैं कि चेयरमैन नैब से उनको ये था कि वो लाहौर के DG थे कि मैंने करप्शन के खिलाफ बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की, मुझे बड़े थ्रेट्स थे उसके बावजूद मैंने कार्रवाइयाँ की। लेकिन उनका ये कहना था कि चेयरमैन नैब साहब का जो फैसला साजिश से मुतल उनका डिसीजन होता है, एक टाइम वो एक फैसला करते हैं, अगर रात के 12 बजे उन्होंने एक फैसला किया तो 1 बजे वो फैसला अपना तब्दील कर देते हैं। तो चेयरमैन नैब के ऊपर डीजी नैब का एक बड़े सीनियर अफसर का ये क्वेश्चन करना कि चेयरमैन नैब एक फैसला करने के बाद उससे इनहराफ कर लेते हैं बात के अंदर, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर। ठीक है, इंटेग्रिटी की बात करते हैं, अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे, स्पेशली बात करेंगे
करप्शन की तो नाजरीन गली मोहल्लों में भी करप्शन चल रही है। नैब की तो बात की, जिसने करप्शन रोकनी है वहां करप्शन चल रही है, तो फिर कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ओवरऑल माशरे में करप्शन नहीं होगी। और करप्शन की बात करें तो माली करप्शन की तरफ आएंगे, छोटी करप्शन है लेकिन एक बहुत बड़ा ग्रोह है जो कि बहुत ज्यादा डाटा चोरी कर रहा है कराची के हवाले से। कराची में एक ग्रोह पकड़ा जा रहा है, बारी बारी चीजें सामने आ रही है कि जी ATM मशीनों से डाटा चोरी किया जा रहा है। हिलाली साहब आप कराची में मौजूद हैं, 1.5 लाख से ज्यादा शहरियों का बैंक डाटा चोरी कर लिया गया, दुनिया में फैला दिया गया, और डेफिनेटली फिर डाटा चोरी हो जाए, वो जिसको कहते हैं आइडेंटिटी चोरी हो जाना, ये पूरी दुनिया में क्राइम है। कराची में अब ये काम शुरू हो गया है, चीनी ज्यादातर इसके अंदर इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं। सदैव आप कैसे करेंगे इसका? मुझे पता चला ये है अनिका कि हमारे चीनी दोस्तों, चीनी जो इन्वॉल्व हैं, हमारे इदारे जो हैं उन पे ज़्यादा हल्का हल्का फूक फूक के चल रहे हैं, इसलिए कि वो चीनी हैं। माफ़ करिए, मेरे ख्याल में हमें उनके खिलाफ उतना ही सीरियस एक्शन लेना चाहिए जो एक पाकिस्तानी के खिलाफ और किसी के खिलाफ हो। ये जो है ट्रेडिंग ऑफ पर्सनल डेटा, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, ये अगर पूरे दुनिया में चले जाए ये तबाहकुन, एक आदमी के लिए तो उसके पूरे लाइफ सेविंग्स चोरी हो जा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, ये वो, आजकल आपको पता है कितना क्रेडिट कार्ड्स तो ये इंटरनेट पे चल रहा है, तो इट्स अ टेरेबल थिंग और ये वी शुड नॉट टेक इट लाइटली। हमें बिल्कुल जो भी हो उसको पकड़ना चाहिए, एक्सपोज करना चाहिए, पब्लिक को वार्न करना चाहिए और इबरतनाक सजा मिलना चाहिए। सुहेल साहब मुझे बताइएगा, ये कराची के अंदर हो रहा है और ये पूरी दुनिया में हो रहा था, इसके ऊपर सख्त एक्शन लिया गया, अब ये सलूशन के शहरियों के ATM ब्लॉक कर देना, वो जो डाटा जा चुका है उसका क्या? अनिका, उसका तो अब वो उस मुतलका बैंक ने FIA ने तय करना है कि उसका क्या होगा, लेकिन मैं अपने नाज़रीन को हम ये बताता चलें कि ये मामला अब नया नहीं है। ये 2 साल कब ये वाकयात रिपोर्ट हुए थे, 2 साल कब ऐसे वाकयात मेरे इलाके में है, हमारे इस्लामाबाद के अंदर, पिंडी के अंदर, बहरी टाउन के अंदर कुछ ऐसे वाकयात हुए थे जिनके FIR भी इंदिराज भी हुआ, लेकिन उस वक्त बदकिस्मती से FIR ये हरकत में नहीं आई, उस तरीके से उन्होंने काम नहीं किया और अब इतने केसेस हो चुके हैं जो आपने हमने बताया कि 1.5 लाख से ज्यादा शहरियों का डाटा चोरी हो चुका है। ये करते क्या है, किसी भी ATM मशीन के अंदर एक स्कीमर लगाया जाता है, उस ATM मशीन जहां पे हम अपना कार्ड डालते हैं, और एक छोटा सा कैमरा वहां पर लगा दिया जाता है जहां पर हम पिन सारे एक बैंक का सारी वहां पर अपना पिन का इंदराज करता है, वो पिन का पिन कोड भी उसको मिल जाता है जो बाकुच उस ATM मशीन से बाहर एक जो मशकूक शख्स खड़ा होता है लैपटॉप लेकर, उसको पिन कोड भी मिल जाता है और कार्ड का डाटा रीड कर लेते हैं, उसके बाद एक नया कार्ड तैयार किया जाता है और बैठ के ट्रांजैक्शन कर ली जाती है। सैकड़ों ऐसे केस हुए लेकिन FIR उस वक्त हरकत में नहीं आई। ये जो तरीकेकार है स्कीमर्स लगाकर ATM से डेटा चोरी करने का, ये दुनिया के अंदर काफी सालों पुराना है, लेकिन दुनिया के तमाम मालिक के अंदर इसका सद्देबाप किया जा चुका है। पाकिस्तान अब वाहिद मुल्क है जहां पर अब इस किस्म की कार्रवाई हो रही है और अब FIR हरकत के अंदर आई है। अच्छा, एक नोटिस लगा दिया जाता है कि इनसे कैसे बचना है, लेकिन अब कोई शहरी पैसे निकालने के लिए गया है जल्दी में, वो नोटिस कैसे पड़ेगा, इसके बारे में कोई अवेयरनेस कैंपेन नहीं होनी चाहिए क्या? अनिका, यकीनन कैंपेन होनी चाहिए कि इस तरीके से आपको अपने अपने ATM को और अपने ATM के जो कार्ड का डाटा है, पिन कोड को महफूज रखना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये है कि दुनिया के अंदर जो उन्होंने इस मसले का असल हल निकाला है वो ये है कि जो कार्ड आप एंटर करने के बाद पिन कोड का जब अंदराज किया जाता है तो वो जब चोरी हो जाए तो आपका डाटा महफूज नहीं रहता। उसका हल एक ही है जो दुनिया में भी इंप्लीमेंट किया गया और पाकिस्तान के अंदर भी होना चाहिए कि आप कुछ ATM मशीन्स के साथ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का एक मशीन लगा दी गई है कि किसी सारिफ को रकम निकलवाने के लिए वहां पर अपना पिन कोड दर्ज ही ना करना पड़े, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए उसकी वेरिफिकेशन हो और उसके बाद उसको अपने अकाउंट के जरिए उसने ट्रांजेक्शन करनी है वो कर ले। जब तक ये नहीं होगा उस वक्त तक इस तरीके से स्कीमर्स लगाकर वो चीनी हो या लोकल लोग हो, वो इस तरीके से लोगों के पैसे चुराते रहेंगे और उसको कोई नहीं रोक सकेगा। नहीं हो रहा तब तक शहरी किस तरीके से बच सकते हैं? शहरी उस वक्त तक नहीं, शहरियों को तो खुद ये हिफाजती इकदाम करना चाहिए जो मुख्तलिफ बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की हिदायत के ऊपर एक ये तरीकेकार बताया गया कि जब आप पिन कोड दर्ज करते हैं, अगर आप राइट हैंड से पिन कोड का अंदराज कर रहे हैं तो उसके ऊपर अपना लेफ्ट हैंड उसके ऊपर रख लीजिए, अगर उसके ऊपर राइट लेफ्ट को अगर कोई कैमरा नस्ब है तो वो आपका जो पिन आपके कार्ड का पिन कोड है वो उसका वो रीड ना कर सके। एक ये एक शॉर्ट टर्म के अंदर इसका सलूशन है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को FIA ने सिफारिशात भी दी हुई है कि तमाम बैंकों को पाबंद किया जाए कि बायोमेट्रिक मशीनें नस्ब की जाए। सही, हिलाली साहब जी,
दूसरा जल्दी से एक सजेशन ये है कि आप अपने एटीएम अकाउंट में ज्यादा पैसे ना रखें और क्रेडिट कार्ड जो हो वो कभी कैश के लिए ना इस्तेमाल करें, इसलिए कि उधर आपको खासा नुकसान हो सकता है। तो अगर कम पैसे एटीएम में अपने बैंक अकाउंट में जरूर रखें। जब आपको नहीं, मैं बात कर रहा हूं कि एटीएम अकाउंट में क्रेडिट कार्ड कैश ना रखें, अपने बैंक अकाउंट में रखें, मगर एटीएम के लिए एक ये होता है, प्रोविजन होता है कि लिमिटेशन भी हो सकता है, आप उसको 10,000 से 15,000 से ज्यादा विड्रॉ भी नहीं कर सकते, ये बातें हैं ना। सही, ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे। कराची की बात कर रहे हैं तो जरा कराची की बात कर रहे हैं, चोरी की बात कर रहे हैं तो अगले टॉपिक में भी कुछ चोरी है, लेकिन चोरी अजीबोगरीब सी है। नायाब सिक्के, कीमती सिक्के चुरा लिए गए हैं कराची के म्यूजियम से, नेशनल म्यूजियम से और टैक्सला। ये वारदातें जो हुई हैं सुहेल साहब, ये कोई एक तो होता है कैश चोरी कर लेना, जिस तरीके से एटीएम से कैश चोरी किया गया, दूसरा ये नायाब सिक्के, ये एक म्यूजियम के अंदर ही जाके अब कहीं भी पकड़े जा सकते हैं। इंटरपोल से कुछ कांटेक्ट की बात सामने आई है, क्या बना इसका, कुछ पकड़े गए या नहीं? देखिए कि पाकिस्तान के अंदर बाकी चीजें चुराए जाने का मामला तो था, करप्शन का मामला भी था, लेकिन एक जो पाकिस्तान के अंदर कौमी विरसे की हिफाजत के लिए जो इदारा कायम किया गया नेशनल हेरिटेज डिवीज़न, उसके अंदर भी बहुत बड़ी बेज़ाब्तियाँ सामने आई, और उसके साथ साथ उन बेज़ाब्तियों के साथ नेशनल म्यूजियम कराची और टैक्सला में चोरों ने एक बड़ी वारदात की है। वो वारदात ये हुई है कि इन दोनों म्यूजियम के अंदर 1901 से 1913 के दौरान के और उससे पहले की भी बड़े कीमती सिक्के मौजूद थे, उसमें गोल्ड के सिक्के भी मौजूद थे, सिल्वर के भी थे, कॉपर के भी थे, और वो इतने एंटीक थे कि ये कहा जा रहा है नेशनल हेरिटेज डिवीज़न की जानिब से कि उनकी कीमत का तायुन भी नहीं है कि किया जा सकता। आप करोड़ों की बात करें तो वो भी कम होगा, क्योंकि वो इस कदर नायाब हैं कि उनको चुराया ही इसलिए गया है कि दुनिया में जाकर मनपसंद कीमत से उनको फरोख्त किया जाए। अच्छा, चोरी किस तरीके से किया गई आप सुनकर हैरान होंगी। जो टैक्सला का म्यूजियम है और जो नेशनल म्यूजियम कराची है, नेशनल हेरिटेज डिवीजन के हुकाम का कहना है कि जो हमारी जिम्मेदारी होती है, जो हमारा स्टाफ मौजूद होता है, उसकी टाइमिंग होती है डेली शाम 4 बजे तक। 4 बजे के बाद दोनों जो म्यूजियम है, कराची का नेशनल म्यूजियम और टैक्सला के म्यूजियम, वहां पर पुलिस की सिक्योरिटी होती है और पुलिस के हैंडओवर कर दिया जाता है कि लॉक लगा दिए गए हैं म्यूजियम को, अब इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी, और पुलिस वहां पर अपॉइंट थी। उनका ये कहना है कि पुलिस दोनों म्यूजियम के अंदर पुलिस के लोग मुलव्वस थे जो वहां पर सिक्योरिटी पर मौजूद थे, उन्होंने वहां से सिक्के चुराए, सिक्के चुराने के बाद कुछ लोग जो और माफिया में मुलव्वस था, उस माफिया के जरिए ये सिक्के जो कीमती सिक्के थे ये पाकिस्तान में कहीं फरोख्त नहीं किए गए, क्योंकि बड़ी इन्वेस्टिगेशन इसकी की गई, यहाँ पर किसी जगह पर उसको कोई सबूत नहीं मिला। कहा यह जा रहा है कि वो स्मगलिंग के जरिए दुनिया के किसी और ममालिक में जाकर फरोख्त कर दिए गए हैं। नेशनल हेरिटेज डिवीजन के मुताबिक काफी अरसे से ये मामला जारी था, उसके बाद उन्होंने इन सिक्कों की वसूली के लिए इंटरपोल को भी खत लिखा, उनकी तमाम तफसीलात शेयर की गई कि अगर किसी जगह के ऊपर कोई ऐसा रिकॉर्ड मिला हो या किसी जगह पर इंटरसेप्ट हो तो ये पाकिस्तान के हवाले किए जाएं, वो आज तक नहीं मिले। उसके साथ वो लोग जो इस सारे कार्रवाई में मुलव्वस थे, कराची के पुलिस के अहलकार और या टैक्सला के अंदर पुलिस अहलकार, उनके ऊपर FIR का इंदराज भी किया गया, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन उसके बाद वो जमानत पर रिहा हो गया, रिकवरी अभी तक नहीं हुई। कोई लीड मिली सोहेल साहब? लीड ये मिली है कि उनके पास चूंकि वहां पर सीसीटीवी कैमरे नष्ट नहीं थे, लेकिन जो मुतलका हुकाम है उन्हें बिलीव है कि जिम्मेदारी पुलिस अफसरान की थी, यही लोग मुलव्वस हैं। अब पब्लिक सरकार कमेटी की जानिब से वजीर अला पंजाब को ये खत लिखा गया है कि आप इसमें तआवुन कीजिए, जो जिनकी जमानतें हो चुकी है उन्हें जमानतें उनकी मंसूख करवाइए, ताकि उन्हें जरा प्रेशर बिल्ड करके उन लोगों तक पहुंचा जाए जो इस सारे काम में मुलव्वस है। ठीक है, और उसके साथ थोड़ा सा मैं ये भी ऐड करता जाऊं कि हमारी जो तारीखी मकामात हैं पंजाब के अंदर खसूसी तौर के ऊपर, मकबरा जहांगीर है, अनायत बाग है, महाबत खान का मकबरा है, नवाबल भावलपुर का मकबरा है, वहां पर यह बताया गया कि उनकी जो कीमती अराजी है वहां पर इन तमाम जो ये मकामात है वहां पर वो कब्जा माफिया वहां पर डेरे डाल चुका है। आपने नायाब सिक्के रखे हुए हैं, आपने पुरानी अशिया रखी हुई है, विंटेज चीजें जो कि कहीं भी बिकने के लिए जाएं तो उनके बहुत ज्यादा मुआवजा उससे हासिल किया जा सकता है, और सीसीटीवी कैमरे नहीं है, ये कहाँ का इंसाफ है कि आप म्यूजियम तो बना रहे हैं लेकिन उसमें कैमरे नहीं नस्ब कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि अगर किसी ने चोरी कर ली तो कहाँ गया, कौन किसने की, कहाँ से जाकर लेकर आएंगे, कहाँ से तलाश करेंगे। अभी चीज मैं शायद अनिका इसीलिए कैमरा नहीं लगाए हैं कि वो चाहते हैं कि जो लोग ले जाएं वो पकड़े ना जाएं। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको पता नहीं है ये हमारे जो इधर डिप्लोमेट्स पोस्ट होते हैं, माने पाकिस्तानी नहीं दूसरे मिशन्स के,
वो कितने गंदारा के हेड्स जो हैं वो ले जाते हैं मुल्क के बाहर अपने डिप्लोमेटिक बैग में और अपने डिप्लोमेटिक लगेज में, जिसकी तलाशी नहीं हो सकती। और साथ साथ डिप्लोमेटिक बैग्स भी जो हैं, कुछ मिशंस ऐसे हैं जो डिप्लोमेटिक बैग को बिल्कुल आप तलाश नहीं कर सकते, उसमें भी वो लोग एंटिक्विटीज चोरी करते हैं। इसलिए कि आप बाहर जब जाते हैं आपको पता चलता है, म्यूजियम्स की ज़रूरत नहीं है उधर जाके, म्यूजियम्स में वो नहीं पहुंचते हैं, वो लोगों के घर में पहुंचते हैं और बड़े ओपनली वो कहते हैं, देखिए व्हाट अ मैग्निफिसेंट गंदारा हेड में आई हैव, कि देखिए आपके मुल्क से, माने कि इट इज़ रिमार्केबल। मैं तो हैरान हूँ कि कुछ रह गया है इधर, इसलिए कि जिस किस्म की चोरी हो रही है और ये रोज़ हो रही है। मुझे कितने लोगों ने आके कहा है कि आपको जानते हैं कोई तरीका है कि ये सामान इधर से निकालें और कैसे हम तलाशी से बच सकते हैं, तो आई डोंट नो इसका क्या क्योर है, मगर ज़रूर एक स्पेशल स्क्वाड होना चाहिए इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने। सही, ठीक है, इन चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक स्क्वाड होना चाहिए, और अगर जब तक ये स्क्वाड नहीं बनेगा तब तक हमारे यहाँ से कीमती चीज़ें बाहर जाती चली जाएंगी, और उसके साथ ही साथ पाकिस्तान के यहाँ जो इंडस सिविलाइजेशन की बात कर लीजिए या जो पुरानी चीज़ें हैं, आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स हैं, वो इसी तरीके से चोरी होते जाएंगे। अफसोस की बात है कि हमारे म्यूजियम में से, चलिए बाकी जगह की बात अलग, म्यूजियम में से चीज़ें चोरी हो गई और अब तक उनका पता नहीं चलाया जा सका कि वो चीज़ें गई तो गई किधर। हिलाली साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, सुनील साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया हमारे आज के शो से। इतना ही, हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, बाखबर सुबह के नाम से फेसबुक ट्विटर दोनों पर मौजूद है। अपना बहुत ख्याल रखिए, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआ गो रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।